मॉर्निंग स्टूडेंट, ये आपकी थर्ड क्लास है। आज हम पढ़ाएंगे आपको हिंदी व्याकरण का पार्ट 6 वचन। वचन के बारे में बताएंगे। वचन का मतलब होता है जो हम नंबरिंग जो हमारी होती है, किसी भी संख्या को हम लिखते हैं, यानी कि एक या एक से अधिक। तो हम जानेंगे वचन के बारे में। जैसे आपकी क्लास में एक अध्यापिका पढ़ा रही है तो क्या हुआ, एक वचन। और जैसे बहुत सारे छात्र या छात्राएँ बैठी हैं तो बहुत सारे छात्र बैठे हैं तो वहाँ पर क्या आ जाएगा, बहुवचन। यानी कि बहुत सारे लड़के हैं या लड़कियाँ हैं तो वहाँ पे आ जाएगा बहुवचन। एक लड़का बैठा है तो क्या होगा, एक वचन। ठीक है, इसी तरह से जैसे आपकी क्लास में एक ब्लैक बोर्ड है, ठीक है, तो क्या होगा, एक वचन। ठीक है, इसको एक में ही काउंट करेंगे। अगर आपकी क्लास में बहुत सारे पेन हैं, यानी कि दो से ज़्यादा पेन हैं, तो आप उन्हें बोलोगे कि वो बहुवचन है। यानी कि आपके कक्षा में तीन पंखे हैं तो वो बहुवचन में आ जाएंगे। ठीक है, और उदाहरण जैसे ले लो आपकी क्लास में एक मार्कर है तो ये क्या हुआ, एक वचन। ठीक है, अगर बहुत सारे मार्कर हैं तो बहुवचन, एक मार्कर है तो एक वचन, और एक से अधिक यानी कि अगर दो मार्कर होते तो क्या होता, बहुवचन। तो हम पढ़ेंगे आज बहुवचन के बारे में। पहले मैं आपको बताऊँगी वचन की परिभाषा, यानी कि वचन होता क्या है। ठीक है, तो वचन किसे कहते हैं, ध्यान से सुनोगे, शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या के बारे में पता चले उसे वचन कहते हैं। ठीक है, शब्द के जिस रूप से, कोई भी शब्द है, ठीक है, जैसे मैंने बताया पुस्तक, ये भी एक शब्द है, तो उससे पुस्तकें, तो एक पुस्तक है तो एक वचन होगा, और पुस्तकें हैं तो क्या हो जाएगा, बहुवचन। ठीक है, तो शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या, यहाँ पे क्या आ रही है, संख्या। वचन को हम कैसे कहते हैं, संख्या के बारे में पता चले उसे वचन कहते हैं। ठीक है, जैसे एक दरवाजा, क्लास में एक दरवाजा है तो उसे क्या बोलेंगे, ठीक है, एक वचन। ठीक है, और नीचे क्या, एक ब्लैक बोर्ड, आपकी कक्षा में एक ब्लैक बोर्ड है तो क्या होगा, एक वचन। ठीक है, इसी प्रकार से जैसे मैंने अभी क्लास का एग्जाम्पल दिया था कि बहुत सारे लड़के हैं तो चार लड़के हैं तो क्या हो जाएगा, एक से अधिक है तो यहाँ पे आ जाएगा बहुवचन। दो लड़कियां हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बहुवचन से बोलेंगे। ठीक है, चार पंखे हैं तो क्या बोलेंगे, बहुवचन, यानी कि यहाँ पे संख्या हमारी एक से अधिक है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके जो वचन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। वचन हमारे जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। जैसे कि मैंने अभी जैसे बताया एग्जाम्पल देखो कि लड़का, तो एक लड़का है, लड़के बहुत सारे लड़के, लड़कियाँ बहुत सारी लड़कियाँ। ठीक है, दरवाजा और दरवाजे, तो इसमें हम दो भागों में बांट देंगे, जो हमारे एक वचन में आती है, जो शब्द जो वस्तु हमारी एक वचन में आती है उसे हम एक वचन में काउंट करेंगे, और जो हमारी संख्या और या सॉरी संख्या यानी कि कोई भी वस्तु है या किसी का नाम है वो बहुवचन में आ रहा है तो हम उसे बहुवचन में काउंट करेंगे। तो हम जानेंगे कि वचन कितने प्रकार के होते हैं। बच्चों, वचन दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, आपने पहले भी पढ़ा होगा, अपने सेकेंड क्लास में से पढ़ चुके हो। वचन हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। जैसे कि मैंने अभी एक वचन का आपको एग्जाम्पल दिया कि एक मार्कर है, एक ब्लैक बोर्ड है। ठीक है, तो ये हमारा एक वचन हो गया। जब हम किसी एक चीज़ के बारे में बात करते हैं तो वो क्या होता है, एक वचन। ठीक है, बहुवचन का मतलब होता है बहुत सारे। ठीक है, बहुवचन, यहाँ से पता चल जा रहा है आपको कि यहाँ पे एक से अधिक होने की बात की जा रही है। ठीक है, तो बहुवचन का मतलब होता है एक से अधिक। तो हमारे वचन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। या हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं तो क्या बोलोगे आप, दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अब हम जानेंगे एक वचन के बारे में कि एक वचन कहते किसे हैं। ठीक है, ध्यान से सुनोगे, शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चलता है उसे क्या कहते हैं, एक वचन। इसके एक होने का पता, यहाँ पे एक होने का पता चले, या किसी चीज या वस्तु के बारे में या किसी कहानी किसी का नाम है तो वहाँ पे क्या एक वचन होने का पता चलता है तो उसे क्या कहते हैं, एक वचन कहते हैं। ठीक है, जैसे अध्यापिका एक वचन है, लड़का एक वचन, यानी कि किसी एक व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है। दरवाजा, यहाँ पे एक दरवाजा है तो एक दरवाजे की बात की जा रही है। पंखा, ठीक है, आदि। तो अगर यहाँ पे एक ही मात्रा लग जाएगी तो बहुत सारे पंखे हो जाएंगे, तो ये पंखा क्या हुआ है, एक वचन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बहुवचन किसे कहते हैं, शब्द के जिस रूप से उसके एक होने से अधिक, एक से यहाँ पे क्या है, अधिक,
ठीक है, एक से अधिक यानी कि दो तीन चार जो भी है, तो वहां पे क्या होगा, बहुवचन। ठीक है, एक से अधिक होने का पता चलता है उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे अध्यापिकाएं, लड़के, दरवाजे, पंखे आदि। और जिसमें और भी बहुत सारे हम सब जोड़ सकते हैं, जैसे पुस्तकें, ठीक है, और गाय, गायें। तो जो हमारे गायें हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बहुवचन। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लो यहाँ पे बहुवचन का, छात्र, तो छात्र हमारा एक वचन है। अगर यहाँ पे आ जाएगा बहुवचन का एग्जांपल ले तो हम कहेंगे छात्राएं। ठीक है, छात्र तो एक वचन हुआ, एक छात्र के बारे में बात करें, छात्राएं बहुत सारी छात्राएं, या लड़के, दरवाजे। जैसे मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल बताया है कि यहाँ पे दो से अधिक वस्तु या व्यक्तियों के बारे में बात की जा रही है, उसे हम क्या करेंगे, बहुवचन। ठीक है, समझ आया बच्चों? नेक्स्ट है आपको, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आप कभी भी वचन को चेंज करते हो, यानी कि जैसे बदलना है आपका, आपको यहाँ पे मैंने जो जब वर्ण के अंतिम में ई की मात्रा होती है, बड़ी की मात्रा और ऊ की मात्रा, तो जब हम एक वचन लिखते हैं तो वहाँ पे बड़ी की मात्रा लगाते हैं। ठीक है, और जब उस वचन को चेंज कर देते हैं तो छोटी की मात्रा और ऊ की मात्रा आ जाती है। जैसे यहाँ पे लिखा है चाबी, तो चाबी में बड़ी की मात्रा है, जब बहुत सारी चाबियाँ होगी तो यहाँ पे क्या होगी, इसका अंतिम वर्ण में क्या लग जाएगा, यहाँ पे छोटी की मात्रा, तो हो जाएगा चाबियाँ। इसी प्रकार मिठाई, ठीक है, तो अंतिम वर्ण में बड़ी की मात्रा आ रही है और यहाँ पे छोटी ही है, तो यहाँ पे चेंज होके जब हमारा बहुवचन चेंज होगा तो वहाँ पे क्या आ जाएगी, छोटी की मात्रा। ये आप याद रखोगे। ठीक है, अब इसी प्रकार से वधु लिखा है, ठीक है, तो वधु में बड़ों की मात्रा आ रही है, मैंने जब अभी एग्जाम्पल बताया था। तो यहाँ पे जब बहुत सारे चीज़ों के बारे में, बहुत सारे लोगों के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पे आ जाएगी छोटी की मात्रा। ठीक है, और धेनु, ठीक है, धेनुएं, तो यहाँ पे एक गाय है और यहाँ पे बहुत सारी गायें, तो यहाँ पे बड़े की मात्रा लगी है। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगी हमारे छोटों की मात्रा, यानी कि जब हम इसे चेंज करेंगे, एक वचन को बहुवचन में चेंज करेंगे तो वहाँ पे छोटे ऊ की मात्रा का प्रयोग होगा, और जब एक वचन लिखेंगे वहाँ पे बड़े ऊ की मात्रा। ठीक है, तो बच्चों ये वाला टॉपिक आपको समझ आया होगा कि वचन हमने आज पढ़ा है, वचन में क्या क्या पढ़ा है, वचन किसे कहते हैं। ठीक है, और उदाहरण देखिए आपको समझाया है यहाँ पे कि एक वचन किसे कहते हैं और बहुवचन किसे कहते हैं, और बहुवचन एक वचन की परिभाषा है, तो आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट ये आपका है उदाहरण कि हम वचन को चेंज कैसे करेंगे, तो हमने जिस प्रकार से यहाँ चेंज किया है कि जब हम एक वचन को लिखते हैं तो बड़ी की मात्रा लगाते हैं, देन जब वो वहाँ पे चेंज हो जाता है तो छोटी की मात्रा, यानी कि बहुवचन में चेंज करेंगे तो वहाँ पे छोटी की मात्रा का प्रयोग करेंगे। ठीक है, बच्चों इस टॉपिक को यानी कि पार्ट 6 को आप रिवाइज करिए और इसके क्वेश्चन आंसर याद करोगे, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक करवाऊंगी। थैंक यू।